नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग जो है अपना समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पार्ट टू पे पहुँचे हैं। कल हमने बेसिक बताया था, आज हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। जो भी नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे परिवार द स्पीड स्टडी का सदस्य बन जाए, और जो पुराने हैं अच्छी बात है, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। देखते तो हैं बहुत लोग, लेकिन लाइक करने में थोड़ा उनको प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग लाइक भी कर लिया कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आप लोगों को अच्छा अच्छा मटेरियल उपलब्ध कराते रहें। यहाँ पे अगर आप जुड़े हैं तो हाई स्कूल इंटर से लेकर के कंपटीशन तक की चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी, और मैं गारंटी करता हूँ कि अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें कह क्या रहा है, पहले समझ लीजिए। लिखा है दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम चार पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी दिया गया है। कल मैंने जब डिस्कशन में कर रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि प्रथम पद और अगर हमको सर्वांतर दिया है तो कैसे पहला पद निकालेंगे, कैसे दूसरा पद निकालेंगे, कैसे तीसरा पद निकालेंगे, कैसे चौथा पद निकालेंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो आई बटन ऊपर आई की तरह बना हुआ है, वीडियो क्लिक करेंगे तो ऊपर आई की तरह दिख रहा है, वहां पे क्लिक करिए, वहां पे जो है आपको वीडियो मिल जाएगा पार्ट वन का। तो चलिए हम देखते हैं, हमको पहले क्वेश्चन में दिया गया है ए बराबर 10 और डी बराबर 10। ए बराबर 10 दिया गया है और डी बराबर 10 दिया गया है। इसमें हमको जो है प्रथम चार पद निकालने हैं, कितने प्रथम चार पद निकालने हैं। दूसरा क्वेश्चन हमको दिया गया है, लिखा है ए बराबर -2 डी बराबर 0, और तीसरा पद हमको दिया गया है ए बराबर 4 डी बराबर -3। ठीक, हम ये तीन क्वेश्चन बताएंगे और इसमें पांच क्वेश्चन है टोटल आपके। तो आप जो है अगले दोनों के यानी कि चौथा और पांचवा उसका आप कमेंट में बताइएगा कि उसमें कितने कितने आ रहे हैं। ठीक, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन बताते हैं। हमको ए का मान दिया है और डी का मान दिया है, तो हमको प्रथम पद तो पता है, क्या प्रथम पद हमको दिया गया है कितना बराबर 1, यानी कि हमको दिया गया है 10। हमने बताया था कि जब हम दूसरा पद निकालेंगे तो दूसरा पद बराबर हमारा हो जाएगा a प्लस डी, अर्थात a का मान है 10 और d का मान हमको 10 दिए हैं, अर्थात 10 प्लस 10 बराबर 20। तीसरा पद अगर हम निकालेंगे तो तीसरा पद बराबर होता है a प्लस 2d, या फिर a और प्लस 2 इंटू डी, डी का मान हमारा कितना है 10, तो बराबर a, a का मान कितना दिए हैं हमको, a का मान 10 दिया गया है, तो 10 और प्लस 10 दूना 20 यानी कि 30। और इसी तरह जब हम तीसरा और चौथा पद निकालेंगे तो चौथा पद हमारा क्या हो जाएगा, चौथा पद हमारा हो जाएगा a प्लस 4d, यानी कि 10 प्लस 4 इंटू 10 बराबर 10 प्लस 4 दाम में 40 बराबर 50। ठीक, कैसे आया ये a प्लस 2d, कैसे आया यहां a प्लस डी, कैसे आया यहां a प्लस 4d, इसके लिए आप वीडियो वन पहले देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए। वीडियो वन में मैंने बेसिक पूरा बता दिया है कि उसको पढ़ने के बाद आप इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बराबर दिया गया है, डी बराबर 0 दिया गया है, तो हमको प्रथम पद निकालना है और अगला पद निकालना है। तो चलिए प्रथम पद अगर हम निकालेंगे तो प्रथम पद बराबर होता है -2 दिया गया है ए, दूसरा पद निकालेंगे तो दूसरा पद निकालने के लिए चाहे हम इसे प्रथम पद में डी का मान जोड़ दें और चाहे दूसरे पद के लिए हम लिख दें ए प्लस डी, तो ए का मान है -2, डी का मान है 0, अर्थात -2। तीसरा पद अगर हम निकालें तो तीसरा पद हमारा हो जाएगा ए प्लस 2d, यानी कि ए का मान है -2 और डी का मान 0, अर्थात -2। उसी तरह अगर हम चौथा पद निकालेंगे तो चौथा पद हमारा हो जाएगा a प्लस 3d, या फिर a और प्लस 3, a का मान कितना है -2 और 3 इंटू डी, डी का मान है हमारा
जीरो यानी कि माइनस दो, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, कहीं समस्या हो तो कमेंट करिएगा, हम उसको एक बार फिर से सॉल्व कर देंगे। आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन इसी तरह है। ए का मान चार दिए हैं, बी का मान माइनस तीन दिए हैं। तो हमको पता है क्या, प्रथम पद हमको दिया गया है चार, दूसरा पद हम निकालेंगे तो दूसरा पद हमको दिया गया है ए प्लस डी, यानी कि चार, ए का मान कितना है चार, और प्लस डी, डी का मान है माइनस तीन, या फिर चूंकि प्लस माइनस क्या होगा माइनस थ्री यानी कि एक। फिर तीसरा पद निकालेंगे तो तीसरा पद हमारा हो जाएगा ए प्लस टू डी, तो ए का मान है चार और प्लस टू इंटू डी, डी का मान हमारा है माइनस तीन, या फिर चार और माइनस तीन दूनी छ यानी कि माइनस दो। अगर हम चौथा पद निकालेंगे तो चौथा पद बराबर हो जाएगा हमारा ए प्लस थ्री डी, तो ए प्लस थ्री डी करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बताइए, ए और प्लस, ए का मान कितना है चार, और प्लस थ्री इंटू डी, डी का मान कितना है माइनस तीन, यानी कि चार और प्लस तीन त्रिक का नौ माइनस नौ, तो प्लस माइनस माइनस यानी कि चार माइनस नौ बराबर माइनस पांच, यही आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये चीज है, इसमें मैंने कुछ किया नहीं है। आप अगर पिछला कल वाला वीडियो देखे हो तो कल वाले वीडियो में मैंने पूरा जो है बता दिया है, अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर तीन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से श्रेणी के समान, प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीन, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है तीन एक माइनस एक माइनस तीन डाटा, पहला क्वेश्चन है हमारा। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है माइनस पांच माइनस एक तीन सात डाटा। हमको क्या बताना है इसमें, इसमें हमको बताना है प्रथम पद क्या है और सर्वांतर क्या है, यही बताना है। तो कल मैंने बताया था कि कैसे हम प्रथम पद निकालेंगे, कैसे हम सर्वांतर निकालेंगे। फिर से देखिए, जो हमारा पहला पद है, पहला पद तो हमको दिया गया है, पहला पद यानी कि ए, प्रथम पद, प्रथम पद यानी कि ए हमको दिए हैं कितना तीन, और सर्वांतर निकालने के लिए हमने बताया था कि दूसरे में से पहला पद घटा दीजिए सर्वांतर निकल जाएगा, यानी कि सर्वांतर, सर्वांतर यानी कि डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, तो बराबर दूसरा पद, दूसरा पद कितना है एक, और माइनस पहला पद कितना है तीन, तो या फिर यानी कि सर्वांतर हमारा आ गया दो और प्रथम पद हमारा आ गया तीन। इसी तरह अगर हम इसके लिए निकालें तो इसके लिए हमारा प्रथम पद क्या होगा ए बराबर माइनस पांच होगा, और दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद हमारा होगा माइनस एक। तो जब सर्वांतर निकालेंगे तो सर्वांतर बराबर हमको पता है क्या होता है, दूसरा पद और माइनस पहला पद, तो दूसरा पद कितना है माइनस एक, और माइनस पहला पद कितना है, पहला पद हमारा है माइनस पांच, तो ब्रेकेट में लिखेंगे यानी कि माइनस एक और प्लस पांच, तो बराबर हमारा आ जाएगा चार, यही आ जाएगा आंसर। ठीक, तो ये चीज है, पहला और दूसरा हमने बता दिया, यानी कि क्या करेंगे हम, दूसरे पद में से पहला पद हम घटा देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा सर्वांतर हो जाएगा, और इसे हम डी से लिखते हैं, और जो पहला पद दिया गया रहेगा वो हमारा पहला पद है अर्थात उसको हम ए से लिखते हैं। ठीक, तो इसी तरह जो है हमारा क्वेश्चन नंबर तीन और चार है, मतलब इसका तीसरे का तीसरा और चौथा इसी तरह है, उसको आप लगा लीजिएगा। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर चार कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी है, कौन सा, कौन कौन समांतर श्रेणी है, यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके तीन और पद लिखिए। तो चलिए
पहला लिखा हुआ है 2 4 8 16 4 8, ठीक, पहला ये है। दूसरा है 2 गामा 5 बटे 2 गामा 3 गामा 7 बटे 2 गामा .. दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक। उसके बाद फिर चलिए पहले इसको दोनों सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या बताया था, हमने कल जब सॉल्व किया था तो बताया था कि अगर हम दूसरे पद में से पहला पद घटा दें और तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दें तो हमको बराबर मान अगर मिल गया तो जान लीजिए दी गई श्रेणी कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, और जो मान मिलेगा वो हमारा सर्वांतर होता है, ठीक। तो चलिए हम पहले निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, उसी तरह इसमें करें तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो वही T1 T2 T3 ये है। तो T2 में से T1 घटाइए और T3 में से T2 घटाइए, अगर दोनों का मान बराबर आ जाता है तो हमारी दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी होगी, अगर मान बराबर नहीं आता है तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो चलिए T2 यानी 4 माइनस T1 2 बराबर T3 8 माइनस T2 4, तो 4 में से 2 गए 2 और 8 में से 4 गए 4, इसका मतलब कि 2 बराबर नहीं है 4 के, तो अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं, चलिए इसको देखते हैं। इसमें हमको T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 यही निकालेंगे। अगर किसी भी श्रेणी में हमको ये पता करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है तो उसके लिए सिर्फ एक काम करना है हमको, क्या, कि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, अगर ये प्रूफ हो जाता है, ये बराबर आ जाता है तो दी गई श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी होगी। तो चलिए T2 यानी कि 5/2 माइनस 2 बराबर T3 3 माइनस 5/2, तो 2 कामा ले लीजिए तो 5 माइनस 2 दूना 4, 2 कामा ले लीजिए 2 तिहाई 6 माइनस 5 यानी कि 1/2 बराबर 1/2, तो ये देखिए हमारा बराबर है। तो अगर बराबर है तो अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, ठीक। तो ये है कि अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, तो हमको कितने पद तक दिए हैं, 4 पदों तक दिया गया है। कह रहा है कि अगर समांतर श्रेणी हो तो इनके 3 और पद लिखिए, 3 और पद लिखना है, इसका मतलब T5 लिखना है, T6 लिखना है, T7 लिखना है। तो पहले वाले पद में यही ये हमारा क्या है, जो मान आया है ये हमारा क्या होगा, ये हमारा D का मान होगा, किसका मान होगा, D का मान होगा। तो जब पहले वाले पद में D जोड़ देंगे तो अगला पद हमको मिल जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि T5 बराबर T4 प्लस D, तो T4 कितना है 7/2 और प्लस D कितना है 1/2, तो 7/2 1/2 यानी कि 8/2 यानी कि पांचवा पद हमको मिल गया 4, छठवां पद निकालेंगे तो T5 प्लस D यानी कि 4 प्लस 1/2 यानी कि पांचवा पद हम निकाले 4, तो 4 और प्लस D कितना है 1/2, तो यानी कि 4 2 8 1 9/2, और अगर सातवां पद निकालेंगे तो छठे पद में से D का मान जोड़ देंगे यानी T6 प्लस D, तो T6 है 9/2 और प्लस D है 1/2 यानी कि 10/2 बराबर 5, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। कह रहा था कि उसके आगे के 3 पद निकालिए यानी कि T5 T6 T7, तो जो पद निकालना है अगर उसके पहले वाला पद पता है तो उसी में केवल D जोड़ दीजिए आप बस, तो T4 में D जोड़ देंगे तो पांचवा मिल जाएगा, T5 में D जोड़ देंगे तो छठवां मिल जाएगा, T6 में D जोड़ देंगे तो सातवां मिल जाएगा। किए क्या, हम दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे बराबर तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देंगे, अगर दोनों का मान बराबर आ गया तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी होगी, ठीक। और अगला पद निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जितना दिया गया है, जैसे 4 पद तक हमको दिया गया था, पांचवा पद निकालना था, तो चौथे पद में से यही D जोड़ देंगे चौथे पद में, तो हमको पांचवा पद मिल जाएगा।
फिर पांचवें पद में डी जोड़ देंगे तो छठवां पद मिल जाएगा, छठे पद में डी जोड़ देंगे तो सातवां पद मिल जाएगा। तो ये चीज है, इस तरह जो है हम श्रेणी का पता लगाएंगे कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक, ये चीज है। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है यक्स आई आई, जो अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हम उसको बता दे रहे हैं, बाकी आप लगा लीजिएगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखिए, एक रूट वाला देख लीजिए कि रूट का हम कैसे जानेंगे कि समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिखा है 3+√2, 3+√2, 3+√2, ये आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, इसमें क्या करना है, वही चीज, कुछ करना नहीं है, चाहे रूट में हो चाहे बिना रूट के हो चाहे जैसे हो, केवल आप वही याद रखिए, ये हमको T1 दिया गया है, ये T2 दिया गया है, ये T3 दिया गया है, ये T4 दिया गया है। तो पहले हम T2 - T1 = T3 - T2 करेंगे, अगर बराबर हो जाएगा तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, यानी कि 3+√2 - 3 = 3+√2 - 3+√2। तो देखिए अगर हम 3 में से 3 घटा देंगे तो कट जाएगा, यानी √2 आएगा, यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा। देखिए यहाँ पे T2 का मान, क्योंकि ये है ना 3+√2, तो इसके पहले माइनस, इसलिए इसको ब्रेकेट में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 3+√3। जब ये ब्रेकेट खुलेगा तो चूंकि ब्रेकेट के बाहर माइनस है और अंदर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो -√2 इतना हो जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि √2 और 2√3, यानी कि हमारे पास 2√3 रहा नहीं और 1√3 घट गया, तो बचे कितना 1√2। ठीक, यानी कि 2√2 है तो 2√2 रहा, 1√2 निकल गया, तो 1√2 बचे, यानी कि हमारा मान का है बराबर है। तो जब बराबर है तो अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है, ये चीज है, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। और क्वेश्चन में था कि अगर समांतर श्रेणी में हो तो अगले पद याद कीजिए, अर्थात T5 निकालेंगे, T6 निकालेंगे, T7 निकालेंगे। तो T5 के लिए T4+D करेंगे, तो T4 का मान ये है 3+√2 + D, डी का मान क्या है √2, यानी कि बराबर 3+√2 रहा नहीं, 1√2 और पाएंगे तब हम बोलेंगे भैया 4√2। तो 3+4√2, अब पांचवें पद ही हटे, और पांचवें पद में अगर हम डी जोड़ देवे तो हमको छठवां पद मिल जाए, अर्थात 3+4√2 रहा नहीं, 1√2 और पाएंगे 5√2, तो 3+5√2। अब देखा छठवें में से डी जोड़ देवे तो हमका सतवां मिल जाए, तो 3+6√2, यह आए थे हमारे आंसर। ठीक, तो इसमें हमारा 16 सवाल है। ठीक, तो इसको आप लगाइएगा, जो क्वेश्चन आए कमेंट करिएगा तो वो क्वेश्चन हम कल बता देंगे। ठीक, तो अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हम कल जो है अगला बताएंगे, जो हमारी है प्रश्नावली 5.2। तो जो क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो 5.1 के, आप कमेंट करिएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। अगर प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कमेंट नहीं करेंगे, तो हम जो है कल अगली प्रश्नावली बताएंगे 5.2। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा तथा अपने यार दोस्त मित्र को शेयर करिएगा, जिससे अपना ये जो परिवार है द स्पीड स्टडी, इस परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़े और आप लोग जो है एक विशाल परिवार के सदस्य बन जाए। नमस्कार।